वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम लोग फिर आज मिले हैं अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर के लिए। आज हम लोग का 8th लेक्चर है अप्लाइड फिजिक्स में। पिछला लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन के बीच में रिलेशन देख लिए थे। आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन देखेंगे। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन आज हम लोग देखने वाले हैं कोणीय वेग का समीकरण क्या क्या हो सकता है, वो देखो। कोणीय गति है ना, कोणीय गति का इक्वेशन देखना, समीकरण कि क्या क्या हो सकता है। तीन इसमें लीनियर, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक लास्ट क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सेम इसी तरह हम लोग को एंगुलर मोशन भी पढ़ना है, लेकिन सभी में क्या बताए थे हम लोग, क्या करते थे, ये जैसे फाइनल वेलोसिटी है तो हम लोग फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या लेते हैं, ओमेगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या लेते हैं, ओमेगा नॉट। ये लीनियर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या लेते हैं, अल्फा, ठीक। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेते हैं, थीटा, है ना। तो सबको सिर्फ रिप्लेस कर देना है उसके जो नेम नोमेनक्लेचर से, तो हम लोग का जो है इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे अगर देखा जाए पहला इक्वेशन क्या हो जाए एंगुलर मोशन का, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा, ये पहला मोशन इक्वेशन हो जाएगा। अभी सब प्रूफ करके दिखाएंगे, जैसे जैसे प्रूफ किए थे जो प्रोसीजर था हम लोग का लीनियर मोशन केस में, वही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे एंगुलर मोशन के भी केस में, है ना। पहले देख लेते हैं, ये s के जगह पर थीटा बोले थे, u के जगह पर ओमेगा नॉट इनटू t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, ठीक। इसे क्या आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, है। हम कुछ नहीं किए हैं, इनिशियल वेलोसिटी के जहां पर, जहां इनिशियल वेलोसिटी को हम v कहते हैं लीनियर के केस में, वहां एंगुलर केस में ना ओमेगा लिखेंगे, और सॉरी फाइनल के केस में ओमेगा लिखेंगे, इनिशियल केस में ओमेगा नॉट लिखेंगे, और एक्सीलरेशन के केस में हम लोग अल्फा लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के केस में थीटा लिखेंगे, जैसे कि हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सब देख चुके हैं, है ना, पहले भी लेक्चर में, ठीक। तो एक एक करके देखना, लेकिन एक इसमें क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है ना, कि इन दोनों इक्वेशंस में ऐसा कौन सा वेरिएबल या फिर कॉन्स्टेंट है, सभी इसे वेरिएबल ही है, तो इसमें कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कि चेंज नहीं हुआ। तो देखिए ध्यान से देखिए, भी चेंज करती है ओमेगा से, यू चेंज करती है ओमेगा नॉट से, ए चेंज करती है अल्फा से, एस कर चेंज करती है थीटा से, लेकिन हम लोग का टाइम का जो है ना सेम रहता है, है ना। ये टाइम है सब जगह सेम ही है, यहाँ पे टाइम को टी से डिनोट करना है, टाइम के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं, टाइम सबके लिए सेम है, है ना, और उसका यूनिट भी सेम रहेगा, सभी चीज के लिए सेकंड ही रहेगा, है ना। तो एक एक करके देखते हैं इसमें एंगुलर इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन के केस में, है ना, तीन इक्वेशन तीनों प्रूव करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, जैसे कि हम लीनियर मोशन में कर चुके हैं, ठीक। तो पहला इक्वेशन में देखते हैं, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बोलता, देखिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन व्हेन एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, जिसमें क्या बोल रहा है कि जो हम लोग का कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी है
वो भी बॉडी या फिर पार्टिकल का जो मूव कर रहा होगा इन फॉर्म एक्सीलरेशन से है ना, जिसके पास जो है टाइम जो है टी सेकंड के लिए। तो देखिए पहले हम लोग क्या जानते हैं इसमें है ना, हम लोग क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट बताइए क्या जानते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या जानते हैं अल्फा है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी है ना, ये करवाया है एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी ये करवाया है ना, एंगुलर मोशन इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है हम लोग का आंसर आ जाएगा, और कुछ ज्यादा करना नहीं चाहिए ठीक। इसी को क्या लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है ना, ये हम लोग का पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर आ चुका है एंगुलर मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन ये है हम लोग का ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये हम लोग का पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। यहाँ पर देखें ना जिस तरह से हम लोग लीनियर मोशन को प्रूव किए थे लीनियर मोशन का पहला इक्वेशन को, उसी तरह से हम लोग एंगुलर मोशन का ही पहला इक्वेशन को यहाँ पर प्रूव किए हैं, सिर्फ एक अंतर बार बार एक बोल रहे हैं अल्फा की जगह पर लीनियर में ए लिखाता है, ओमेगा को लीनियर में क्या लिखते हैं बी लिखते हैं, ये ओमेगा को क्या लिखते हैं यू लिखते हैं, टाइम का यूज किया जाता है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरे इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, आइए देखिए दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करता है, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी परफॉर्म्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी सेकंड, ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, देखते हैं क्या बोलता है। देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है एंगुलर मोशन केस में निकालने के लिए, बोल क्या रहा है इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन व्हेन तब ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, कोई जो है हम लोग का बॉडी है कोई वस्तु जो है हम लोग का यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से मूव कर रहा है, मतलब समान कोणीय वेग से यहाँ पर जो है गति कर रहा है कोई भी एक जो वस्तु है, परफॉर्म्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसमें जो है क्या है उस वस्तु में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब उसका स्थिति चेंज हुआ होगा पोजीशन चेंज हुआ होगा है ना आफ्टर टी सेकंड है ना, टी सेकंड के बाद निकालने के लिए बोल रहा। तो याद कीजिए जो बताए थे हम लीनियर मोशन के केस में उसमें क्या बताया था हम कि एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी बताया था, एवरेज वेलोसिटी पर क्या बताया थे डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए डिस्प्लेसमेंट जब हम निकाल रहे थे यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाता था हम लोग का एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू एवरेज वेलोसिटी बाय टाइम सर ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या था इनिशियल प्लस टाइम बाय टाइम है ना, इनिशियल प्लस टाइम बाय टू आई टू जो हम लोग का टाइम है यहाँ पर पहले से ये डिस्प्लेसमेंट निकला था लीनियर कंडीशन के केस में, लीनियर कंडीशन के केस में निकला था, यही अगर एंगुलर में कर सिर्फ सब जगह एंगुलर लगा दीजिए और यू के जगह पर ओमेगा नॉट भी के जगह पर ओमेगा और टू के जगह पर तो टू ही रहेगा टाइम के जगह पर टाइम रहेगा देखिए यार, तो इस केस में हम क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाय 2 आई इनटू 1 बाय टी, है ना। ये लीनियर केस में बताए थे, अब ये एंगुलर केस में होगा हम लोग का, ठीक। देखिए उसी से डिराइव कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए कैसे। थीटा इक्वल टू हम लोग आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाय 2 और इनटू 1 बाय टी, है ना। पिछले इक्वेशन में क्या सॉल्व किया हम लोग, सिंस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा टी, है ना। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम सॉल्व कर दिए, करना कुछ नहीं है, ओमेगा के जगह पर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी को पुट कर देना है, हम लोग का आंसर जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओमेगा के जगह पर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट पहले से ही है बाय 2 और इनटू टी इनटू 1 बाय 2, ठीक। सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले अंदर 2 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी बाय 2 इनटू 1 बाय 2, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या जाएगा, थीटा इक्वल टू सब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 ओमेगा नॉट बाय, है ना, 2 ओमेगा नॉट बाय 2 टी प्लस अल्फा टी एस अल्फा टी बाय 2 टी, है ना। ये हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 2 2 कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट, सॉरी कहीं गलती हो रहा है, ओमेगा नॉट बाय टी प्लस अल्फा टी बाय 2 टी, कहीं मिस्टेक हो गया है, एक सेकंड। ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाय 2 थीटा इक्वल टू, लेकिन थोड़ा गलत यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, है ना। थीटा इक्वल टू होगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाय 2 और इनटू टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, यहाँ पर बाय टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम लोग का जो इक्वेशन जो आना था वो आ नहीं रहा, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक। और फिर सही है तो लोग थीटा इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पर 2 ओमेगा नॉट इनटू टी बाय 2 प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2, तो 2 2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 थीटा। इसी को हम क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, है ना। वो आप करेक्शन कर लीजिएगा, वहाँ पे डिवाइड में चला आया था मिस्टेक से टाइम हम लोग, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग लीनियर कंडीशन कर रहे थे, एस इक्वल टू क्या कर रहे थे, यू टी प्लस हाफ एम टी स्क्वायर कर रहे थे, है ना। और ये एंगुलर केस में आया, एस क्या क्या थीटा के साथ रिप्लेस हो गया है, यू क्या हुआ ओमेगा नॉट के साथ रिप्लेस हो गया है, ए हो गया है अल्फा के साथ रिप्लेस, है ना। बाकी इक्वेशन हम लोग का सेम ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। आइए तीसरा इक्वेशन देखते हैं, तीसरा इक्वेशन क्या होगा, आइए देखिए तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है। इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन व्हेन अ बॉडी
moving here. When a body is moving with uniform angular acceleration, after covering angular displacement, ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को प्रूव कर रहा है। अब बोलता है क्या कि जब कोई बॉडी कोई वस्तु जो है हम लोग का मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से, है ना, जबकि कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कवर किया है, कुछ उसका कोणीय विस्थापन हुआ है वहां पे, तो उस केस में हम लोग का इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन क्या आएगा देखते हैं तीसरा में, है ना। तो पहले हम लोग क्या जानते हैं, सिंस वी नो क्या जानते हैं हम लोग, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस कहते हैं अल्फा टी, है ना। करना कुछ नहीं, इसको दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिलता है हम लोग देखते हैं क्या मिलता वी गेट, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर, है ना। ब्रेक कर दे रहे हैं इसको, आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए और बी, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर को उसी तरह रहने देते हैं हम लोग, ओमेगा नॉट स्क्वायर को हम लोग उसी तरह रहने देते हैं। देखिए करना क्या है, हम लोग को यहाँ पर जो है ना ये इस पार्ट को जो है ब्रेक करके हम लोग को थीटा लाना है, ठीक, थीटा लाना है, जहाँ कि हम लोग थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जानते हैं ना, है ना। देखिए अवेलेबल है हम लोग के पास क्या क्या, ओमेगा नॉट टी है हम लोग के पास, ठीक, अल्फा टी स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अल्फा कॉमन ले लेते हैं ताकि हम लोग का जो है ये जो है एक अल्फा यहाँ पर बचे, ठीक। देखिए अल्फा कॉमन ले लीजिए, अल्फा कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा हम लोग का, अल्फा टी स्क्वायर प्लस टू ओमेगा नॉट टी, ठीक। लेकिन दिक्कत क्या आ रहा है हम लोग का, दिक्कत हम लोग का ये आ रहा है यहाँ पर कि हम लोग का हाफ जो है अल्फा टी स्क्वायर के साथ है, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस दो से भागा दे देंगे और दो से गुना कर दे रहे हैं इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, टू से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं यहाँ पर और अंदर में क्या कर रहे हैं, टू से डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों में, प्लस टू ओमेगा नॉट टी बाय टू, है ये टू को कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा, है ना, अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस ओमेगा नॉट टी, ये कंडीशन देखिए हम लोग थीटा का ही कंडीशन आ गया यहाँ पर, जो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किए थे, तो इसको हम थीटा लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, ये ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लोग का, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, है ना, ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। अगर लीनियर इक्वेशन की मोशन के लिए देखें तो बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस टू ए एस लिख देते हैं, है ना, जहाँ बी हम लोग का फाइनल था वो ओमेगा के साथ रिप्लेस हुआ है, यू इनिशियल था वो ओमेगा नॉट के साथ रिप्लेस हुआ है, ए अल्फा के साथ रिप्लेस हुआ, एस थीटा के साथ रिप्लेस हुआ, सब लीनियर कंडीशन के आधार पर सिर्फ हम लोग का एंगुलर कंडीशन लग जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आई, आगे चलते thank you.
देखिए एक और इक्वेशन बताया था लीनियर मोशन केस में कि इक्वेशन ऑफ मोशन विद डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकंड, मतलब nवा सेकंड में कितना जो है वस्तु के द्वारा दूरी तय किया गया है, है ना, वो चीज हम लोग एंगुलर मोशन में पढ़ेंगे। वो लास्ट इक्वेशन है हम लोग का nth टर्म के लिए, वो हम लोग कर ही लेते हैं। चौथा इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन व्हेन एंगुलर डिस्टेंस मूव बाय बॉडी इन एनर्स एनर्थ सेकेंड में हम लोग का बॉडी कितना मूव हुआ है, है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसके लिए इक्वेशन हम बताए थे लीनियर इक्वेशन केस में। एंगुलर इक्वेशन में के केस में भी वही चीज है। देखिए क्या क्या है, सबसे पहले कंसीडर कर लेना, कंसीडर क्या क्या करना देखते हैं। कंसीडर कर ले रहे हैं आप एन इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंड, जो जो लीनियर मोशन में किए थे उसी तरह एक प्रकार से हमको एंगुलर मोशन केस में भी करना है। अल्फा क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ओमेगा नॉट क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ठीक। थीटा एन क्या है होगा एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकंड ठीक, और थीटा एन माइनस वन क्या है एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन माइनस वन सेकंड ठीक। तो हम बताया क्या थे लीनियर मोशन केस में, क्या बताया थे कि एन nth सेकंड के लिए केस में अगर निकालना है कि एन सेकेंड में हम लोग का कोई भी बॉडी जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, चूंकि एंगुलर केस है तो थीटा लगाएंगे, है ना, और लीनियर केस में हम लोग ऐसे लगा रहे थे ऐसे है। तो इसमें बताया थे कि अगर कोई एक खास टाइम एक सेकेंड का टाइम मिलेगा निकालना तो क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं 9 सेकेंड के लिए निकालना है, क्या करेंगे 10 में से 9 घटा देते हैं तो वो 1 सेकेंड के लिए हम लोग का निकल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे किए हैं, अगर एन के जगह पर 10 दे देते हैं और एन माइनस वन तो क्या हो जाएगा हम लोग का 9, है ना, तो दोनों को अगर घटा दीजिएगा तो हम लोग को nth सेकंड के लिए हम लोग का जो है डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया गया है वस्तु के द्वारा वो हम लोग का निकल जाएगा, है ना। देखिए तो क्या करना है हम लोग को थीटा nth निकालना है, तो थीटा nth इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा थीटा n माइनस थीटा n माइनस वन। बहुत बच्चे लोग का प्रॉब्लम क्या है कि पूछते हैं क्या कि सर n वाला पहले लिख दिए n माइनस वन वाला बाद में लिखे हैं, अरे भाई तो ये n जो है बड़ा है ना, n में ही तुम एक घटा रहे हो तो ये छोटा चीज हो गया, नहीं तो फिर तुम इधर करोगे तो माइनस का कंडीशन फिर लग जाएगा ठीक, वहां पर क्या जाएगा माइनस का कंडीशन लग जाएगा ठीक। इसलिए थीटा n माइनस थीटा n माइनस वन का फॉर्मूला होगा थीटा n ठीक। तो पहले थीटा n निकाल लेते हैं, थीटा n माइनस वन निकाल लेते हैं, और क्या करना है दोनों को फिर माइनस कर देना है। यहाँ पर देखिए इसको हम अरेंज कर रहे हैं, पहले हम लोग थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, पहले ये बताइए कि थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना, यही जानते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, पहले थीटा निकालना, कहने का मतलब टी के जगह पर एन को रिप्लेस कर देना है, तो क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट एन प्लस हाफ अल्फा एन स्क्वायर ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, आइए आगे
थीटा n माइनस 1 में निकाल लेते हैं, थीटा n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n के जगह पर n माइनस 1 ओमेगा नॉट n माइनस 1 प्लस हाफ अल्फा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, इन दोनों को जो है आपस में घटा देना है ताकि हम लोग को थीटा n आ जाएगा। यहीं पे पुट कर दे रहे हैं, देखिए थीटा n क्या है, ओमेगा नॉट n प्लस हाफ अल्फा n स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में रख रहे हैं, माइनस माइनस देखिए क्या है इधर, ओमेगा नॉट इनटू n माइनस 1 प्लस हाफ अल्फा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको एक ब्रैकेट में रख रहे हैं। ठीक, इसको ब्रेक करना है और हम लोग का आंसर आ जाएगा यहां पे, ओमेगा नॉट n प्लस हाफ अल्फा n स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक कर दे रहे हैं, ओमेगा नॉट n माइनस ओमेगा प्लस हाफ अल्फा a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इधर देखिए, तो थीटा n इक्वल टू लो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट n प्लस हाफ अल्फा n स्क्वायर माइनस। ठीक, उसको ब्रेक करते हैं, ओमेगा नॉट n माइनस ओमेगा प्लस हाफ अल्फा n स्क्वायर है प्लस हाफ माइनस 2n अल्फा बाय 2। ठीक, यहां ओमेगा नॉट n प्लस हाफ अल्फा n स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट n माइनस माइनस प्लस ओमेगा प्लस माइनस माइनस हाफ अल्फा n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस 2n अल्फा बाय 2। ठीक, अब देखिए जो लोग कैंसिल आउट हो रहा है ना उसको हम लोग कैंसिल आउट कर ले रहे हैं यहाँ पर, ये 2 में यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, ओमेगा नॉट n ओमेगा नॉट n कैंसिल कर दीजिए, ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक, बच क्या जा रहा है हम लोग के पास, ओमेगा माइनस हाफ प्लस n अल्फा है ना, ये चीज हम लोग का यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ओमेगा नॉट है ओमेगा नॉट। ठीक, हम लोग के पास इतना चीज बच गया है, ओमेगा नॉट माइनस हाफ प्लस एन अल्फा, और कहीं इसी में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ अल्फा हाफ अल्फा यहाँ पे आएगा, यहाँ पर हाफ अल्फा यहाँ पर हाफ अल्फा। ठीक, ये हाफ अल्फा है, अल्फा छूट गया था। ठीक, तो कॉमन ले लीजिए क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस, ठीक प्लस ले लिए कॉमन हम यहाँ पे, और अल्फा बाई टू कॉमन ले लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n माइनस 1, ये हम लोग का थीटा एन एच का थीटा एन एच का ये एक्सप्रेशन आएगा हम लोग का, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू इंटू 2n माइनस 1 का यहाँ पर जो है हम लोग का ये एक्सप्रेशन आएगा है ना, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी मूव बाई बॉडी इन एन एच सेकेंड है ना, थीटा एन एच इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू इंटू 2n माइनस 1 है ना। कैलकुलेशन करते हुए ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे मेरा गलती हो गया था है ना, ये एरर नहीं आना चाहिए नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगा है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल, जितना भी इक्वेशन बताए जितना भी रिलेशन बताए और अभी जो एनर्जी ट्रेवल एनर्जी डिस्टेंस में जितने भी ट्रेवल बताया है ना, उसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल देख लेंगे कि कैसा कैसा न्यूमेरिकल पूछता है ना, उसके बाद हम लोग का जो है एंगुलर मोशन का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।